मिलावट को लेकर के बड़ी सख्त है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर युद्ध स्तर पर एक बड़ा अभियान जो है शुरू किया गया है। त्योहारी सीजन में एक महीने का पूरा अभियान है, इसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि जयपुर पर बैठ करके यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा हर जिले की पूरा फीडबैक जो वो ले रहे हैं कि क्या अभियान होगा, और उस अभियान को लेकर सर से बात करते हैं कि सर एक बड़ा अभियान, मुख्यमंत्री का बड़ा विजन मिलावटखोरों को लेकर के क्या देखते हैं इस अभियान को लेकर के आज से जो शुरुआत हो रही है इसको लेकर? देखिए, लोगों की सेहत से खेलने का काम करते हैं कई लोग। ये मिलावटखोरी जो कारण बनता है गंभीर बीमारियों का, मावे में मिलावट, नकली दूध, नकली पनीर, नकली मावा, उससे फिर मिठाइयाँ बनती है, या फिर दूसरी चीज़ों में जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो मिलावटखोर होते हैं उनकी वजह से आम आदमी की सेहत पर गंभीर असर पड़ता है, गंभीर बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में आज से विशेष अभियान चलाने के लिए शुरुआत की है। जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे, हमारे CMHO, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और बाकी सारी सरकार की जो टीमें हैं वो जगह जगह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार से कोई मिलावटखोरी का काम राजस्थान में नहीं हो। अगर कोई सूचना प्राप्त होगी तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कानूनी रूप से उनको जो भी सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जो अभियान है उसमें सिर्फ चिकित्सा विभाग की ड्यूटी होती है, इस बार पूरा एक कहते हैं टीम राजस्थान को पूरा जिम्मा दिया गया और खुद मुख्य सचिव है, उनको कमान दी गई कि वो पूरे जिलों में कलेक्ट्रेट से कोऑर्डिनेट करके पूरी व्यवस्था देखे। सर, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, सरकार गंभीर है, किसी भी प्रकार की मिलावट को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई फिर भी मिलावट करता पाया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाज़त सरकार किसी को नहीं दे सकती। वैसे भी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, अभी आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का लक्ष्य लेके सरकार काम कर रही है, ऐसे में अगर मिलावटखोरी का काम भी रहता है तो उससे बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं है, और जो अपराध करेगा उसे अपराध की सज़ा मिलेगी। एक सर, अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रयास किया गया है कि जो भी मिलावट की सूचना देगा और पुख्ता सूचना होगी तो उसको इनाम भी दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनाम की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और इनाम की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि हमारे पास सूचनाएँ तत्काल आए और तत्काल कार्रवाई हो और कोई दोषी आदमी बच नहीं पाए। सर, एक महीने का अभियान है, आज से शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं इस अभियान को कि पूरे प्रदेश भर के अंदर एक महीने तक युद्ध स्तर पर अभियान चलेगा और जो कोरोना की महामारी है उसके बीच में अभियान शुरू किया गया है, कितना इम्पैक्ट देखते हैं फील्ड में इसका? देखिए, आम शिकायत रहती है खाद्य पदार्थों में मिलावट की। आपका यूरिया से दूध बनाते हैं लोग बाग, अब यूरिया से बना हुआ दूध, क्योंकि जितने पशुधन नहीं है उससे ज़्यादा दूध पैदा हो रहा है, आपके पास दूध देने वाला जानवर ही नहीं है इतना, तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है? ये नकली दूध बनता है, उस नकली दूध से नकली मावा बनता है, नकली पनीर बनता है, नकली घी बनता है। अभी कल परसों हमने कोटपुतली में पकड़ा जखीरा, 200 क्विंटल से ज़्यादा नकली देसी घी बनाते हुए पकड़ा, उसको बेचते हैं वो लोग सस्ती दर में। आम आदमी इस लालच में आ जाता है ये सस्ता मिल रहा है, अरे भाई सस्ता नहीं, ये जहर है जो आपकी सेहत पे, आप इससे गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है और गंभीर बीमारियां हो जाती है। इसलिए किसी भी सूरत में राजस्थान में जब हमने निरोगी राजस्थान का अभियान चलाने का निश्चय किया तो ये भी वो पॉइंट है। अभी तो विशेष अभियान चल रहा है, लेकिन हम ये व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में वर्ष भर इस तरह की छापामारी और इस तरह का अभियान चलता रहे, ताकि मिलावटखोरों को हम सज़ा दिला सकें और राज्य में मिलावटखोरी पे अंकुश लगे। सर, एक साल पहले एक सपना देखा गया था निरोगी राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और उसके क्रियान्वयन के लिए जब फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की जाए तो उसमें भी कुछ बदलाव की बात थी कि बहुत सख्ती बरती जाएगी, उसको लेकर के भी कुछ प्रस्ताव आपके पास पेंडिंग है, उसको देखकर क्या लगता है कि अब आगे उनको लेकर के अभियान को देख करके उन प्रस्तावों की क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा? देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून 2006 भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और उसकी नियमावली 2011 में आई,
अब आज इसमें मिस ब्रांड है, अनसेफ है, ये सब चीज़ों के लिए सजा के अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन बचने के रास्ते भी हैं। हमारे पास 11 से ज़्यादा खुद की जांच लेबोरेटरीज हैं, हमने उसमें मैकेनिज्म ये डेवलप किया है कि सैंपल लेने वाला और जांच करने वाला आदमी दोनों में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, तो डिकोडिंग और डिकोडिंग का सिस्टम हो। लेकिन फिर भी इसमें कई लेकुनास कानून के अंदर है जिससे आदमी बच जाता है। 1 महीने की अपील का टाइम है, अगर हमारे यहाँ सज़ा भी मिल जाती किसी को तो वो 1 महीने अपील में जाके बाहर किसी लेबोरेटरी से जांच करा के बच के आ जाता है। हम कोशिश करेंगे, भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जो लचीलापन है जिससे आम आदमी अपराध करके बच जाता है वो किस तरह से सुनिश्चित हो कि वो भी सजा के दायरे में आए। सर अंतिम सवाल है, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से कि वो अवेयर रहे और साथ में सूचना दे इस पूरे जो गोरख धंधे से लिप्त लोगों के लिए? सरकार जो भी काम कर रही है आम आदमी की सेहत को ध्यान में रख के कर रही है। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक सरकार के भरोसे अकेले, क्योंकि अगर सरकार के साथ पब्लिक खड़ी है तो अभियान भी सफल है और आम आदमी की ज़िंदगी भी सेफ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जनहित के कार्यक्रम हो, आज कोरोना महामारी के खिलाफ हम आंदोलन चला रहे हैं, मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर नहीं थूकने की बात कर रहे हैं, 2 गज दूरी की बात कर रहे हैं, बार बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं, समूह में एकत्रित नहीं होने की बात कर रहे हैं, किसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं? आम आदमी की ज़िंदगी। अब आम आदमी अनुशासन का परिचय नहीं देगा, आम आदमी सतर्क नहीं रहेगा, आम आदमी सूचना नहीं देगा तो खाद्य सुरक्षा के कानून की पालना कैसे सुनिश्चित होगी? इसलिए जो जनता के लिए किया जा रहा आंदोलन या जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं राजस्थान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आगे बढ़कर आप आइए और मिलावटखोरी की इस जंग में, इस आंदोलन में आप सरकार का साथ दीजिए ताकि आपकी सेहत बचाने का जो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो ये थे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा अभियान जो चलाया जाएगा, क्या उसके पीछे की मंशा है। उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे और जो मिलावटखोरी का अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें जनता का साथ देंगे। कैमरा पर्सन जी विकास है, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।